फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में अब ई रिक्शे की जाम से लोगों को निजात मिलेगी। बता दें, ई रिक्शे के कारण जहां लोग काफ़ी परेशान रहते थे और जाम के झाम से घंटों लोगों को परेशान होना पड़ता था, तो ऐसे में अब डीसीपी नगर और डीसीपी ट्रैफिक ने अब नई प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत जहां कलर के हिसाब से रिक्शों को निर्धारित किया जाएगा कि उनकी सीमा क्या है, और साथ ही उनको एक यूनिक कोड भी दिया जाएगा जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये रिक्शा किस एरिए का है और किसका है, और इनका सत्यापन भी किया जाएगा। और ऐसे में क्या कुछ कहना है डीसीपी नगर दीपक भूकर का, आइए दिखाते हैं। ऑटो रिक्शाज हैं, उनको भी जो पुलिस है वो यूनिक आईडीज जो है वो उनके लिए जनरेट करेगी, और जितने भी ई रिक्शा चालक हैं और ऑटो रिक्शा चालक हैं उनका सत्यापन भी पुलिस के द्वारा किया जाएगा, ताकि कोई भी अवांछित या जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है वो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम है इनका चालक ना रहे। तो ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो देखा जा रहा है कि नाबालिग भी काफी हादसे, देखिए उसी के दृष्टिगत जो, क्योंकि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वही चलाए और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ चलाए, और अनावश्यक रूप से जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो उत्पन्न ना करे, इसी के दृष्टिगत ये कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये जो अभियान है वो लगातार जो चेकिंग का है, सत्यापन का है, वो पुलिस के द्वारा लगातार ट्रैफिक पुलिस के कोऑर्डिनेशन में किया जाएगा। नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से जहां अब लोगों को मौसम ने करवट लेकर राहत दिलाई है। बता दें, जहां प्रयागराज में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं, और गर्मी से अब राहत दिलाते हुए मौसम ने आसमान में काले बादल छाए हैं, और प्रयागराज में काले बादलों के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। यहाँ तापमान 40 के पार था, तो अब ऐसे में तापमान 35 के दशमलव के आसपास हो गया है, जिससे एक बार प्रयागराज के लोगों को राहत मिली है। जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी के कारण आसमान में बादल छाने से लोगों को राहत मिलती दिखाई दी है, और लोगों में कहीं ना कहीं गर्मी से अब राहत मिलने के बाद खुशी भी दिखाई दी। जिस तरह से गर्मी का प्रकोप प्रयागराज में जारी है और मानसून का लोगों को इंतज़ार है, मगर बारिश ना होने के कारण लोगों में काफ़ी समस्या बनी हुई है गर्मी से। अब देखना होगा कि गर्मी में कब लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि बरसात के लिए जिस तरह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और बारिश कब होगी जिससे कि प्रयागराज वासियों को गर्मी से राहत मिल सके और वो सुकून की सांस ले सके। मगर जिस तरह से गर्मी का प्रकोप जारी उससे हर कोई परेशान है, मगर मौसम के बदलाव से लोगों में खुशी भी दिखाई दी, और लोगों में क्या कुछ कहना था आइए दिखाते हैं। धूप हो रही थी उसकी वजह से अब थोड़ा सा राहत मिली है। एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है, और ऐसे में गर्मी से कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही, जहां गर्मी के कारण हार्ट की समस्या देखने में सामने आ रही है। मगर सबसे ज़्यादा जिससे लोग ग्रसित हैं वो डायरिया है, और डायरिया के कारण लोगों में अस्पतालों में भीड़ लगी है, और लोगों में काफ़ी समस्या डायरिया की वजह से हो रही है, और तकलीफ भी काफ़ी हो रही है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर फिरोज़ का, किस तरह से डायरिया में खान पान का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, आइए दिखाते हैं। पहले जब बदलते मौसम में वायरस का प्रकोप बढ़ जाता है, और ख़ास तौर के गर्मियों में देखने को ये मिलता है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करना चाहिए घर से बाहर निकलते हुए अंगोछा का इस्तेमाल या छाते का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसमें डायरिया सबसे मेन चीज़ होता है। और अमूमन देखने को मिलता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो पानी भी बाहर का इस्तेमाल जल्दी कर लेते हैं, खुला रहता है, या समोसा है, बाहर चीज़ों को खा लेते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि घर से निकले तो पानी अपना खुद लेके निकलना चाहिए, और बाहर खाने का चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे कि हम इस तरह के इन्फेक्शन से बच सकें। और दूसरी चीज़ अक्सर देखने को मिलता है ये लोग कि जब घर से निकलते हैं तो किसी चीज़ की तैयारी से नहीं, अगर कोशिश करें तैयारी से होके निकलें तो कम से कम एक रुमाल आज के दौर में है लेके निकलना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पे ही निकला जाए। देखिए, खास तौर पे तो ख्याल एक रखना चाहिए कि हमारे अपने खान पीन को, जैसे डायरिया में है आयली चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तरल पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे लिक्विड डाइट रखना चाहिए, एनर्जाल है, इलेक्ट्रॉल लेना चाहिए,
हरी सब्जियां वगैरह लेनी चाहिए, तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब स्ट्रीट लाइट के खंभे दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, यहां तार स्ट्रीट लाइट में खुले हुए हैं। ये नज़ारा है हिम्मतगंज दरगाह के पास का, जहां हिम्मतगंज में जहां डिवाइडर बीचों बीच लगे स्ट्रीट लाइट के खंभों में तार खुले हुए हैं और जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती। बरसात का मौसम अब करीब आ रहा है जिससे कभी भी किसी को भी नुकसान पहुँच सकता। अब देखना होगा नगर निगम इसको कब सही कराता और ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं। तार खुले हैं, थोड़ा सा बारिश का मौसम आ रहा है इसलिए किरण आ रहा है यही खम्भे में स्ट्रीट लाइन में। क्या नाम है? मानू। हाँ, ये खम्भा जो है इसीलिए परेशानी है, ये पत्ती लाइन का स्ट्रीट लाइन का खम्भे में आ जाता है लाइट तो किरण मार, कोई सुनवाई नहीं।